दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में स्टिच कैम जीके और जीएल 544 की चार कैमों के बारे में बात करेंगे। जीके जीएल मशीन में चार कैमें होती हैं। ये स्टिच कैम फीड 4 जो कि चार नंबर फीड के नीचे लगी होती है। इसके बाद है स्टिच कैम फीड 2। फीड 2 और फीड 4 की कैम बिल्कुल एक जैसी होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, इसको आगे पीछे भी लगाया जा सकता है। स्टिच कैम फीड 3 ये उन दोनों से मुख्तलफ होती है क्योंकि इसके साथ डक पोजीशन भी लगी होती है। ये फीड नंबर 3 के नीचे लगी होती है। और ये है हमारी मेन कैम स्टिच कैम फीड 1। इसके ऊपर पिकर लगा होता है, फीड 1 के नीचे लगी होती है। और इसके साथ भी डक पोजीशन लगी होती है जो कि साइड पे होती है। और ये कैम हील टो बनाने के भी काम आती है। इसके बाद आती है हील एंड टो स्टिच कैम, फीड 1 के साथ लगी होती है ये, और हील और टो बनाने के काम आती हैं। इसमें डक पोजीशन नहीं लगी होती और इसके साथ फिक्स कैम भी लगी होती है ऊपर वाली साइड पे। ये हील और टो बनाने के काम आती हैं। 4 फीड मशीन के अंदर 5 स्टिच कैम लगी होती हैं। इसके बाद आ जाती हैं कॉम्बिनेशन ब्लॉक कैम। ये कैम सेट का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर वाली कैम लोरिंग नीडल कलर कैम होती है जो नीडलें नीचे करने के काम आती हैं, और साथ में टक कैम। ये कॉम्बिनेशन ब्लॉक 2 है। इसमें फिक्स कैम, लोरिंग नीडल, एग्जिट हील एंड टो कैम और टक कैम 2 लगी होती है, जिसका प्रोग्रामिंग कोड 22 है। राइजिंग नीडल हील एंड टो लॉन्ग बट, हील टो की नीडलें अपर साइड पर सिलेक्ट करने के काम आती है। स्टिच कैम फीड 1 पिकर के साथ। हील एंड टो कैम फिक्स कैम 3। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाई जा सकें।